कृषि नीतियों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन पर ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी का बयान सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। अब बीजेपी ने भी सबसे पहले कांग्रेस को अपने रडार पर लिया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर जैक डोर्सी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि जैक डोर्सी की दाल में कांग्रेस का मसाला है। राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान जो वहां पर खिचड़ी पकाई, अब उसे ही परोसा जा रहा है। कपिल मिश्रा के आरोपों में दम है, क्योंकि अमेरिका में राहुल गांधी के साथ बैठक करने वालों में जॉर्ज सोरेस के लिए काम करने वाली एक महिला भी थी। भारत के लिए जॉर्ज सोरेस का क्या प्लान है, ये बताने की जरूरत नहीं। यही वजह है कि कपिल मिश्रा ने कहा कि काश जैक डोर्सी जो बोल रहे हैं वो सच होता। अगर ऐसा होता तो फ्रॉड आंदोलनकारी गैंग बार बार ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाता। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जैक ने इस्लामिक जिहादी लेफ्टिस्ट ग्रुप के साथ भारत के खिलाफ साजिश रची है, उन्होंने उसकी और उनके साथियों की जगह जेल में होनी चाहिए कहा। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक दिन पहले केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। उनका कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ इंडिया में हुए फार्मर प्रोटेस्ट के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा था। भारत सरकार की ओर से उन पर दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, ट्विटर को इंडिया में बंद करने की भी चेतावनी दी गई थी। जैक डोर्सी के बयान के बाद राकेश टिकैत से लेकर केजरीवाल तक और कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी तक हल्ला मचाने लगे। लेकिन केंद्र का साफ कहना है कि जैक डोर्सी के समय में ट्विटर कई नियमों को मान ही नहीं रहा था। ऐसे में उनके साथ तनातनी चल रही थी और इस पूरे विवाद की एक नहीं कई परतें हैं, जिसकी शुरुआत साल 2021 में उस समय हो गई थी जब देश में 3 कृषि कानून लाने की बात हुई थी और उस वजह से एक आंदोलन सड़कों पर शुरू हो गया था। हुआ ये था कि जिस समय देश में कृषि कानून लाए गए थे, उस दौरान फरवरी में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया कंपनीज के लिए एक नई गाइडलाइन इशू की थी। उस गाइडलाइन में कहा गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी कुछ पब्लिश किया जाएगा उसकी सीधी जिम्मेदारी उस कंपनी को ही लेनी पड़ेगी जहां से उस कंटेंट को शेयर किया गया। ये भी कहा गया था कि 3 महीने के अंदर सभी कंपनीज को इन गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। फेसबुक से लेकर गूगल तक सभी कंपनीज इसके लिए राजी हो गई, लेकिन ट्विटर तैयार नहीं था। उसका ये साफ कहना था कि इस प्रकार के नियमों से अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ता है। इसके ऊपर उस समय बीजेपी नेता संबित पात्रा के एक ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया वाली कैटेगरी में डाल दिया था। पात्रा का ट्वीट उस टूलकिट को लेकर जिसे किसान आंदोलन के दौरान सामने आया था, लेकिन ट्विटर को उससे आपत्ति हो गई। विवाद आईटी नियमों को लेकर चल रहा था, लेकिन इस नए विवाद केस को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। दिल्ली पुलिस 24 मई को सीधा भारत के ट्विटर हेडक्वार्टर पहुंच गई और उससे पूछा गया कि ट्वीट को उस कैटेगरी में क्यों डाला गया। कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और ट्विटर ने उस ट्वीट से वो वाला लेबल हटाने से भी मना कर दिया। इसके बाद ट्विटर विवाद में नया मोड़ 26 मई को आया, जब केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों का ऐलान कर दिया। ट्विटर ने क्योंकि इन्हें मानने से ही मना कर दिया, ऐसे में मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक आ गया। कहा जिसने दो टूक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियम मानने की बात कह दी, तब तो ट्विटर ने ये कहकर विवाद ठंडा कर दिया कि नियमों के हिसाब से ही प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार को नियत पर शक रहा और बाद में आरोप भी लगा कि ट्विटर ने किसी भी नियम को नहीं माना। तब सरकार ने कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।